देखो भाई, इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा था, बाद में पता चला मतलब रिकॉर्डिंग पर ही मैंने क्लिक नहीं किया, तो 10 मिनट्स मैंने यूं ही बक बक कर दिया। कैसा होता है। तो देखो, फिर से बना रहा हूँ वीडियो को, तो अटेंशन प्लीज़। तो देखो, ये है एक इंटेल का मदरबोर्ड, जो कि इसका मॉडल नंबर देख सकते हो, DH61HO। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, बोर्ड में डिस्प्ले है पर BGA पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, BGA पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट नहीं कर रहा है, तो अभी हम देख लेंगे थोड़ा सा। तो इसमें देखो, कोई भी डिबग कार्ड पहले तो बता दूँ काम नहीं करेगा। तो लेटेस्ट जो चल रहा है TL631 Pro, वो भी काम नहीं करता है, वो भी अपने आँख से देख लो एक बार। बहुत सारा लोग इसके पीछे पड़े हो, करीब 10 से ज़्यादा मैंने इसको कुरियर किया है। इतना क्यों लेके ये इतना मतलब धूम मचा रहे लोग, मुझे खुद ही पता नहीं। तो देखो, ये धूम मचाने वाला भैया अभी ये कोई कोड जनरेट नहीं करेगा इंटेल के बोर्ड में। हाँ, अगर LPC पोर्ट है तो करेगा, तो ऐसा ही आएगा। लेटेस्ट जो डिबग कार्ड अभी मार्केट में चल रहा है, तो देख लो, जो जो इसको खरीदने के लिए बेचैन हो रहे हो, तो इसमें भी इंटेल का बोर्ड में कोड नहीं आएगा। गीगाबाइट का AMD सीरीज का भी जो बोर्ड है, उसमें भी कोड ज़्यादातर नहीं आता है। MSI का बोर्ड में भी नहीं आएगा। तो हाँ, अगर LPC पोर्ट जिस बोर्ड में है, तो उस बोर्ड में तो ये वाला भाई साहब भी आएगा, ये पहला वाला जो TL460S+। तो देखो, इसमें भी कोड नहीं आता है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि हमारा जो BGA लगा हुआ है उसमें डिस्प्ले नहीं है, पर कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है। तो BGA पे भी थोड़ा सा देख लिया करो। तो ये देखो, BGA पे लगा के रखा है यहाँ पर, तो डिस्प्ले नहीं है, ठीक है। मतलब लाइट दिख रहे हो आप, यहाँ पर ऑरेंज है पर डिस्प्ले नहीं है इसका। एक सेकेंड, तो यही है रीज़न। तो अभी देखो, मैंने जम्पर करके रखा था, तो इस बोर्ड के ऊपर ऊपर अगर वीडियो डाले, BGA पोर्ट से BGA पोर्ट के ऊपर अगर मैं वीडियो डालूँ, तो बोर्ड को अभी ऑफ कर देता हूँ। तो इस बोर्ड के ऊपर मैंने अगर वीडियो डाला इस बोर्ड में, तो 4-5 वीडियो बनेगा। अगर मैं ट्रिक दूँ तो भी 4-5 बनेगा, क्योंकि ये अलग अलग रीज़न से ये BGA का प्रॉब्लम आता है। और एक चीज़ मैं सबसे बता दूँ, इस बोर्ड में जो कंपोनेंट यूज़ किया गया है ये BGA के लिए, अलग बोर्ड में जो होता है गीगाबाइट आसूस का बोर्ड में हम रिमूव कर देते हैं और डिस्प्ले हमारा आउट हो जाता है। अगर ये शॉर्ट रहे तो वहाँ पर जो डायोड है वो शॉर्ट रहता है। तो ये डायोड नहीं है, डायोड कम ट्रांजिस्टर, ये कुछ अलग मॉस्फेट है। इसका तो डेटा शीट ही नहीं मिल रहा है, पर सॉरी, ये क्या है मिल नहीं रहा है, पर इसका पिन आउट मुझे मिल चुका है, पर मैं अभी नहीं दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे इसका पिन आउट दे दूंगा, ठीक है। तो मुझे डायग्राम करके दिखाना पड़ेगा। तो अभी देखो, ये जो कंपोनेंट है ये ज़्यादातर राइट साइड वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, और भी नीचे कर देता हूँ कैमरा ताकि क्लियर दिख रहा है अभी। तो ये देखो, ये जो कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट के ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है इनमें से। तो अभी एक ट्रिक देके जा रहा हूँ, ये राइट साइड वाला जो ये वाला कंपोनेंट है ये ख़राब हुआ है इस बोर्ड में। तो सेम बोर्ड से मैं अगर रिमूव करके लगा दूँ तो हो जाएगा, पर वैसा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि रिप्लेस कर दिया तो भाई कोई भी कर सकता है। बोर्ड किसी के पास, जिसके पास होगा तो वो बंदा कर लेगा, पर जिनके पास ये बोर्ड नहीं है, क्योंकि ये कंपोनेंट हर बोर्ड में नहीं मिलता है, और इंटेल का बोर्ड 61 सीरीज में ही ज़्यादातर मिलेगा, और 4131 बोर्ड में बहुत कम आते हैं, ये कंपोनेंट नहीं मिलता है। और मिलता भी है तो कुछ नंबर अलग हो जाता है, अगर वो रिमूव करके आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे तो डिस्प्ले नहीं आएगा उस केस में। तो इसीलिए मैं ये डायरेक्टली चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि चेंज तो सभी लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं इसे बाईपास कर का एक छोटा सा ट्रिक बता के जा रहा हूँ। अगर ये बोर्ड में डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा है, तो ये देख सकते हो DH61HO है, तो इस बोर्ड में अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आप ये दो कंपोनेंट है इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। और देखो, इसका ये जो एक नंबर पिन, दो नंबर पिन, 3, 4, 5 नंबर पिन है, तो ये दोनों में 5 वोल्ट इनपुट रहेगा, और बाकी ये जो 1, 2, 3 नंबर पिन है ये इसका ग्राउंड है, और 4, 5 जो है वो दोनों में से अलग अलग वोल्टेज निकलेगा, मतलब 2.3 वोल्ट के समथिंग निकलेगा। दोनों पिन में ही वोल्टेज चाहिए हमें, अगर एक भी पिन में मिसिंग हो गया तो डिस्प्ले नहीं आता है। और इस कंपोनेंट का कुछ अलग है, पर अभी इसके ऊपर वीडियो दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम सेम बोर्ड आ जाए, मतलब 61 का ये वाला के ऊपर, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो होगा। और ये जो ट्रांजिस्टर 2 है,
इसके ऊपर भी वीडियो मैं डाल दूंगा इंटेल के बोर्ड में, ये दोनों भी डिस्टर्ब करते हैं बहुत, और कुछ छोटा मोटा रजिस्टर वगैरह और एक ये फ्यूज़ वगैरह होता है, तो देखते एक एक करके वीडियो देते हैं, एक दिन में सब सीखोगे तो मैं भी कैसे सिखा पाऊँगा। तो अभी देखो ये जो कॉम्पोनेंट ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर मतलब शोल्डरिंग वायर से मतलब जंपरिंग वायर से यहाँ पर बाईपास किया था, पर वीडियो को मैंने रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं किया, 10 मिनट मैंने बकबक करते गया तो फिर से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो पहले वोल्टेज को हम दिखा देते, थोड़ा सा देख लो क्यों हो रहा है ये, नहीं तो क्यों हो रहा है ये अगर पता नहीं चला तो बाईपास ज़िंदगी भर करते फिरोगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो फिर से एक बार चलाना पड़ेगा बोट को क्यों हो रहा है देखने के लिए। लो टिगर दिया और कीबोर्ड पे अभी भी आया नहीं लाइन, आ जाएगा, ये देखो आ चुका है, कीबोर्ड पे आ चुका है और बीजीए पे नहीं है, ठीक है मैं बोल रहा हूँ यही सुन के चलो, नहीं है तो नहीं भी आएगा। तो अभी देखो ये ग्राउंड कर दिया, पास से दिखाने जाऊँगा तो मल्टीमीटर दिखा नहीं पाऊँगा, तो दूर से ही देखो थोड़ा सा, पास से मैं बता रहा हूँ। तो ये देखो ये 5 वोल्ट करीब मिल जाएगा यहाँ पर 4.40, और इसमें 5 वोल्ट मिलेगा 2 नंबर पिन पे, और ये है ग्राउंड इसका, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। और बाकी रहा बचा है ये एक पिन, इसमें जो मुझे 2.94 मतलब 3 वोल्ट के करीब मिल रहा है, और ये बीज वाला जो पिन है इसमें मुझे कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अगर मैं ट्वीज़र से यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँ तो डिस्प्ले आ जाएगा। तो देखो अभी मैं बाईपास तो करके रखा था, वीडियो तो हो नहीं पाया, तो फिर से बना रहा हूँ वीडियो और भी शॉर्ट कर दूँ हो रहा है वीडियो, क्योंकि पहले तो 10-12 मिनट हो चुका था। तो अभी देखो मैं बस थोड़ा सा एक काम करूँगा, अभी साथ में रहो, बस थोड़ा सा मुझे यहाँ पर शोल्डरिंग आयरन से थोड़ा सा टच करना है, बस हो जाएगा काम, तो साथ में रहो थोड़ा सा। तो ये जो है बस मुझे थोड़ा सा करके ही रखा था ऑलरेडी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बाद में जब स्टॉप करने के लिए मैंने गया तब स्टॉप प्रेस किया तब रिकॉर्ड चालू हुआ, तो मैंने सोचा ओ ये बात है। ये देखो बस इतनी सी काम करना है, मैंने लगा दिया, ये अब पास से देख लो थोड़ा सा, एक सेकंड अब क्लियर हो गया। तो अभी ध्यान से देख लो, ये वीडियो देखने के बाद कोई कमेंट मत करना कौन सा कंपोनेंट है क्या है कौन सा पिन है, प्लीज़ कमेंट मत करना, ठीक है ध्यान से देखना, कमेंट करोगे तो मुझे बुरा लगेगा, उल्टा सीधा बोल दूंगा, ठीक है ध्यान से देख लो, स्क्रीन शॉट कर लो, ठीक है। तो देखो ये जो कंपोनेंट है अगर बोर्ड को उल्टा करोगे, मतलब बीजीए पोर्ट अगर आपके पास है मतलब आपके सामने है बीजीए पोर्ट, ऐसे अगर बैठोगे बोर्ड को लेके, तो क्या करना है, बोर्ड को अगर ऐसे लेके बैठोगे तो यहाँ पर दो ही कंपोनेंट मिलेगा, इंटेल का 61 का जितने भी सीरीज है सब एक ही तरह से काम होता है, पर कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, पर अभी हम काम कर रहे हैं कौन सा बोर्ड पे, ये है, ये देखो DA61HO। तो HO में अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट इनपुट जाएगा और ये हो जाएगा इसका ग्राउंड, ठीक है, और ज़्यादातर यही कंपोनेंट खराब आता है राइट साइड वाला। तो आपको बाईपास करना है कौन सा, और भी क्लियर होगा क्या, हाँ हो गया, तो बाईपास करना है ये बस दोनों पिन को, ये दोनों पिन को बाईपास करना है, ठीक है एक सेकेंड, टूट मत जाइयो भाई, हाँ दिख रहा है अभी। तो देखो ये दो पिन्स को आपको बाईपास करना है, 4-5 ये दो पिन्स, ठीक है देख लो ठीक से, स्क्रीनशॉट कर लो, कोई भी कमेंट मत करना कौन सा कंपोनेंट है कौन सा पिन है। तो ये दो पिन को बाईपास करना है, बाकी जो बचा ये एक पिन, ये लास्ट वाला जो पिन है लेफ्ट साइड वाला, ये ग्राउंड है। अगर जब आप यहाँ पर मतलब बाईपास कर रहे हो अगर ग्राउंड से शॉर्ट हो गया तो ये कंपोनेंट भी ख़राब हो सकता है, ये भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी ख़राब हो सकता है, हालांकि नेक्स्ट टाइम पे डिस्प्ले ही नहीं आएगा आपका बोर्ड में, ऐसा भी हो सकता है। तो बी केयरफुल जब आप करो तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लिया करो कि मेरा ग्राउंड से टच हुआ है कि नहीं। तो ध्यान से एक बार और एक बार देख लो, ये है हमारा कंपोनेंट और ये एक यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 और 4 नंबर पिन को ग्राउंड कर देना है, ठीक है। तो पिन्स मैं बस यूँ ही बोल रहा हूँ, इसका डेटा शीट देख के बताना पड़ेगा कि काउंट किधर से होता है, इधर से या इधर से। तो अभी मैं इधर से अगर काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 और 4 को आपको बाईपास करना है,
और 1, 2, 3 नंबर पिन इसका ग्राउंड है, इससे भूल के भी ये दोनों पिन जब आप मतलब बाईपास करो इससे ना टच हो। तो मैंने कर दिया है, अभी देखते हैं डिस्प्ले इसका आता है कि नहीं। तो चलो वैसे ही VGA पोर्ट फोर्ट लगा हुआ है, अब पावर देंगे और देखेंगे भाई काम बना कि नहीं। तो देखो डिबग कार्ड में तो कोई भी इसका चेंजेस नहीं है, तो देखो ब्लू आ चुका है मतलब डिस्प्ले इसका आ चुका है। तो रिपेयर सक्सेसफुल, फिर से एक बार ऐसे देख लो, ये कैमरा फोन चेंज करना पड़ेगा मेरा। तो ये देखो ये राइट साइड वाला जो कंपोनेंट है 5 लेग का, वो ऊपर का जो पिन है राइट साइड वाला, 2 पिन को मैंने बाईपास कर दिया है, देख सकते हो क्लियरली। और लेफ्ट साइड वाला जो कंपोनेंट है वो जैसा है वैसा ही है। अगर मैं इसे चेंज कर देता तो इतना झिकझक करने की ज़रूरत नहीं होता, ना तो वीडियो बनाने का भी ज़रूरत होता। तो रिप्लेस तो हर कोई कर सकता है किसी भी बोर्ड से, मतलब 61 का, तो रिप्लेस करना तो सही हुए नहीं है। तो आप तो जो काम करते हैं वो तो रिप्लेस ही करेगा, पर जिसको कंपोनेंट नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, इसके लिए ये वीडियो मैंने दे रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ भी सीखे हो, तो भाई एक लाइक करके जाओ। लव यू ऑल, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। जय हिंद।